नमस्कार, मैं दीपा आप सभी का स्वागत करती हूँ लाइव टुडे की खास पेशकश भाग्य तय के आज के इस अंक में। साथियों, कहते हैं जिस प्रकार भूखे से ज्यादा भोजन का स्वाद कोई और नहीं जान सकता, ठीक उसी प्रकार सच्चे मित्र का महत्व संकट में फंसा व्यक्ति ही जान सकता है। तो साथियों, हमारा भी प्रयास रहेगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके जीवन में आने वाली हर परेशानियों का, हर संकटों का समाधान आपको मिल सके। और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हमें सही मार्गदर्शन देने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य डॉक्टर प्रेम शंकर त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज पहले पंचांग जानते हैं। आज 20 मई 2017 दिन शनिवार, ज्येष्ठ माह, कृष्ण पक्ष की नौमी तिथि, सायंकाल 5:42 तक है। शतभिषा नक्षत्र चल रहा है जो दोपहर में 11:17 तक रहेगा। वैधृत्य योग चल रहा है जो सायंकाल 7:17 तक रहेगा। चंद्रमा कुंभ राशि में है। राहु काल प्रातः 9:30 से 11 तक है और आज पूरब दिशा की यात्रा नहीं करना चाहिए। जी साथियों, बीते एपिसोड पहले हमने चर्चा की थी दुस्वभाव लग्न की। इसी क्रम में आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे लग्न के एक और मुख्य प्रकार स्थिर लग्न की और जानेंगे स्थिर लग्न से जुड़ी अन्य आवश्यक बातों के बारे में। तो आइए अब कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करते हैं। पहले जानते हैं 12 राशियों के जातकों का आज का दैनिक राशिफल। शुरुआत करेंगे मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क राशि के जातकों के आज के राशिफल से। तो पंडित जी, कैसा रहेगा आज इन जातकों का दिन? साथ ही अपने दिन में और शुभता बनाए रखने के लिए आज के दिन विशेष तौर पर किस अंक और रंग का प्रयोग इन्हें करना चाहिए? मेष राशि के जातक, आज का दिन थोड़ा तनाव भरा हुआ है। कुंभ राशि में चंद्रमा है और आपकी राशि से काउंट करने पर एकादश भाव में है। आर्थिक स्थिति तो ठीक होगी दोपहर 2 के बाद, लेकिन तमाम तनाव बना रहेगा। इसके लिए आपको आज के दिन कुएं का जल यदि मिल जाता है उससे स्नान करें तो बहुत बेहतर होगा। आज के दिन रंगों में की बात करें तो आपको काला रंग धारण करना चाहिए। भाग्य अंक आपका आज के दिन 2 है और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो 48 है। वृषभ राशि के जातक, यात्रा का सुखद योग बन रहा है। संतान से आपको लाभ मिलेगा। पदोन्नति के अवसर बन रहे हैं आज और आज आप वाणी पर संयम रखेंगे तो बहुत लाभ होगा। माता के पैर छुएंगे तो भी विशेष लाभ का योग बना है। शुभ रंग आपका आज के दिन पीला रंग है। भाग्य अंक आपका 1 है और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो 81 है। मिथुन राशि के जातक, दिन मिला जुला है। आज के दिन आपको बहुत संयम से काम लेना है। किसी भी पत्र पर, एप्लीकेशन पर साइन करने के पहले सोच विचार कर करें, प्रॉब्लम में आ सकते हैं, कानूनी विवाद हो सकता है। उसके लिए आपको छायादान आज के दिन करना चाहिए। शनिवार का दिन भी है। सरसों के तेल में अपना मुख देखें फिर उसको दान करें, बहुत बेहतर होगा। शुभ रंगों की बात करें तो आज के दिन धानी रंग आपके लिए उत्तम है। भाग्य अंक आपका 3 है और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो 83 है। कर्क राशि के जातक, मानसिक स्थिति आपकी बहुत ज़्यादा डिविएट हो रही है, अर्थात विचलित हो रही है। आपको स्वयं सोचना होगा। जल अधिक पिए, वाणी पर संयम रखें और किसी चीज़ को पहले समझ लें फिर चर्चा करें, ये बेहतर होगा। आप बीच में ना भूलें। शुभ रंगों की बात करें, सिंदूरी रंग आपके लिए उत्तम है। भाग्य अंक आपका आज के दिन 2 है और भाग्य प्रतिशत की बात करें तो 84 है। तो ये तो हमने जाना कर्क राशि तक के जातकों का आज के दिन का हाल। आइए बात करते हैं हमारे आज के खास विषय स्थिर लग्न की और जानते हैं कि स्थिर लग्न क्या है और ये कुंडली में कब और किस भाव में निर्धारित होता है। जी पंडित जी, बताएं। भारतीय पंचांग और ज्योतिष शास्त्र में लग्न का बहुत बड़ा महत्व है। लग्न के आधार पर ही हम निर्धारित करते हैं कि जीवन का क्षेत्र, जीव आपका स्वभाव, आपका रंग, आपका ढंग, आपका बोलचाल, ये सब लग्न के आधार पर ही निर्धारित करते हैं। लग्न मुख्यतः 3 प्रकार के चर, स्थिर, दुस्वभाव, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे स्थिर लग्न की। स्थिर लग्न का अर्थ होता है कि जो कोई भी कार्य किए जाएं वो स्थिर रहते हैं।
और हमारे इन 12 राशियों में 4 राशियां स्थिर लग्न की मानी जाती हैं, एक वृषभ लग्न, दूसरा सिंह लग्न और तीसरा वृश्चिक लग्न और चौथा है कुंभ लग्न। ये 4 राशियां स्थिर लग्न की होती हैं और ऐसे लोग जब कोई काम करते हैं तो बहुत प्लानिंग बना करके सिस्टमेटिक ढंग से करना उनको बहुत अच्छा लगता है। वृषभ लग्न और सिंह लग्न, ये 2 लग्न के जो लोग होते हैं, वृषभ लग्न बैल की भांति जीवन भर संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कार्य करते हैं, सफलता इनको कम मिल पाती है ऐसा देखा गया है। लेकिन सिंह लग्न ये अपनी प्लानिंग बना लेता है, बनाकर प्लानिंग को ये चलते हैं और हर प्लानिंग को ये बिल्कुल सफल मानते हैं। जैसे जंगल में शेर होता है और शिकार पर जाता है, हर शिकार को वो सफल कर लेता है, ठीक उसी प्रकार सिंह लग्न वाले अपने सारे जीवन के कार्य, छोटे बड़े सभी कार्य को व्यवस्थित करके, अरेंज करके, सिस्टमेटिक करके काम करते हैं और हर काम बेहतर करते हैं। अब 2 लग्न की बात आई कि वृश्चिक लग्न, वृश्चिक लग्न वाले जो होते हैं ये तमाम प्रकार की समस्याओं में उलझे हुए रहते हैं, ये निर्णय नहीं ले पाते हैं, द्वंद में फंसे रहते हैं, इनको कोई और निर्णय जब देता है तभी काम करते हैं। कुंभ लग्न के जो जातक होते हैं लंबे होते हैं और प्रत्येक कार्य को करते तो हैं लेकिन बीच में कभी कभी छोड़ देते हैं। और साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय यह है कि इनका जो जीवन होता है वो जीवन, जो जीवन साथी है उससे संबंधित ज़्यादा रहता है और उससे काम जब कोई मिलता है, पिता से मिल जाए, माता से मिल जाए या जीवन साथी से कोई काम मिल जाता है किसी भी तरह का, तो वो करते हैं लेकिन बीच में छोड़ भी देते हैं, ऐसा भी देखा गया है। ऐसे लोग ज़्यादातर सेना में जाते हैं और वहाँ व्यवस्थित होकर के और जीवन को वहाँ व्यवस्थित करते हैं और सुरक्षा करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें स्त्री लग्न में हैं। इस लग्न का मुख्यतः बात ये होती है कि इसमें जो कोई भी काम किया जाता है, घर बनाना हो या कोई ऐसा कार्य जिसमें काफ़ी लंबे समय तक हो, लॉन्ग टाइम के लिए इस लग्न में कार्य करने चाहिए। साथियों, स्थिर लग्न से जुड़ी हैं और भी बहुत सी खास बातें जिनके बारे में हम जानेंगे कार्यक्रम में आगे। फिलहाल रुकेंगे इस ब्रेक के लिए। भाग्योदय